Hey, what's up guys, welcome to this video. और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बजट सेगमेंट के वायरलेस नेकबैंड स्टाइल हेडफोन का, जो कि है पिट्रॉन टेंजेंट इवो। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 700 रुपीज, जो आई थिंक बहुत कम है एक वायरलेस हेडफोन के लिए, राइट? और यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था इस हेडफोन को रिव्यू करने का। तो दूसरा रीज़न ये था कि अगर आप 1000 रुपीज़ के अंदर अमेजोन पे अगर कोई ब्लूटूथ हेडफोन चेक करोगे तो ये उसमें से सबसे बेस्ट सेलिंग है। तो क्या वाकई में ये हेडफोन इतना अच्छा है? चलिए चेक करते हैं। तो ये है बॉक्स इस हेडफोन का, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है यहाँ पे। वैसे इतनी कम प्राइस में भी यहाँ पे पैकेजिंग पे इतना अच्छा जो कंपनी ने ध्यान दिया वो अच्छी बात है। कुछ स्पेसिफिकेशन है बॉक्स के ऊपर जो हम हमेशा की तरह स्किप करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे वो ये है कि ये ब्रांड जो है वो कहाँ से है। तो बेसिकली हेडफोन तो जो है वो मेड इन चाइना है, जो कि लगभग अभी इंडिया में मिलने वाले सारे हेडफोन मेड इन चाइना ही होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि पिट्रॉन जो है वो एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन ब्रांड है एंड बहुत सारे ऑडियो एंड स्मार्टफोन रिलेटेड प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर चुकी है और आगे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से जो है वो एक्सपेंड भी कर रही है एंड कंपनी बहुत जल्दी अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट भी करने वाली है। तो अच्छी बात ये है कि फाइनली धीरे धीरे इंडियन ब्रांड जो है वो मार्केट में दिख रही है। कंटेंट पे आए तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है जिसमें इसकी वारंटी एंड यूज़ करने के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक छोटा सा माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एंड 2 डिफरेंट साइज की एडटिव्स आपको इसके साथ दी जाती है, यानी कि टोटल 3 एडटिव्स आपको इसके साथ मिलेगी। और फाइनली है हमारा ईयरफोन जो कि है ब्लैक एंड ग्रे कलर की थीम में, और आई थिंक यही एक कलर वेरियंट है जो आपको इसमें ऑफर किया जाता है। बात करें सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल क्वालिटी की, तो वेल काफ़ी वेल डिज़ाइन ईयरफोन है ये। इसकी बिल क्वालिटी भी प्राइस के कंपेयर में बहुत अच्छी है, कहीं से भी आपको ये 700 रुपीज़ का हेडफोन नहीं लगता है। सिंपल लुक है लेकिन एक डिसेंट बिल क्वालिटी एंड सही कलर कॉम्बिनेशन से एक अट्रैक्टिव प्रीमियम लुक आपको ये हेडफोन से मिल जाता है। इसमें आपको मैग्नेटिक एडिटिव्स के साथ मेटल कंस्ट्रक्शन में मेन मॉड्यूल मिलेगा, जो कि लाइट गन मेटल कलर में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड क्लासी दिख रहा है। यहाँ पे बेटर सपोर्ट एंड कंफर्ट के लिए आपको एयरफिन्स भी जो है ऊपर ऑफर की जाती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस ईयरफोन का लुक खराब करती है, लेकिन बेटर लुक के लिए आप इसे निकाल भी सकते हो। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड की बात करें तो नेकबैंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली ड्यूरेबल साबित होगा। एंड बाकी जो वायर है वो थोड़ा सा थीन दिखता है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें आपको जो वायर एडजस्टमेंट बैंड भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको इसको वायर में मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। राइट साइड में आपको इसके सारे कंट्रोल्स एंड माइक्रोफोन मिल जाएगा, जिसमें 3 लार्ज मल्टीफंक्शन बटन है जिससे आप म्यूजिक एंड इनकमिंग कॉल को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन में डेफिनेटली आपको ये थोड़े से लार्ज बटन और दिखेंगे, लेकिन ऑल ब्लैक कलर एंड मैट बैकग्राउंड के साथ ये आपको एक अट्रैक्टिव तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ स्पोर्टी फील भी प्रोवाइड कर देंगे। सबसे मेन जो लार्ज साइज की वजह से वो आपको यहाँ पे इसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद वहीं पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट एंड माइक्रोफोन भी मिल जाएगा एंड पीछे की साइड में एक LED इंडिकेटर लाइट भी दी गई है। राइट साइड के सेक्शन में आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ इसकी बैटरी है जो कि है 160 mAh की, जिसको चार्ज करने के लिए अप्रोक्स 3 आवर्स का टाइम लग जाता है। और उसके बाद 80% वॉल्यूम में अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको ये प्रोवाइड कर देगा, जो कि वाकई में अच्छा है क्योंकि ये आता है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि कम पावर यूज़ करता है प्लस एक बेटर एंड क्विक कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर देता है। इसको कनेक्ट करना काफी आसान है, आप किसी भी स्मार्टफोन पीसी टैबलेट या लैपटॉप से इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगी कि वो ये है कि रनिंग करते टाइम अगर आपका फोन ट्रैक पैड के लोअर पॉकेट में है तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में डिस्टॉर्शन महसूस होता है। अब पता नहीं कि सिर्फ इसी यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर ओवरऑल, लेकिन ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है मुझे जो इसमें लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ओवरऑल कनेक्टिविटी एंड कंपेटिविटी में कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बात करें कंफर्ट की, क्योंकि हेडफोन का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने इसको एक्सरसाइज एंड नॉर्मल यूज दोनों में जो है टेस्ट किया है, मुझे ये काफी हद तक कंफर्टेबल लगा। एक तो इसकी लाइटवेट डिजाइन एंड दूसरा स्मॉल कंफर्टेबल एडिटिव्स के वजह से, जो बिल्कुल भी आपके कान से स्लिप नहीं होती और आपको एक अच्छा कंफर्टेबल प्रोवाइड कर देती है। हालांकि इसमें कोई भी वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज में आप इसे यूज कर सकते हो। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी काफ़ी डिसेंट है, माउस से काफ़ी नज़दीक होने से आपको ज़्यादा ऊंचा बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ज़्यादा लाउड इनपुट ये डिटेक्ट नहीं करता और प्लस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ये डिटेक्ट करता है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको इसमें नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा अगर ट्रैफिक वगैरह में आप थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइज़ से डिटेक्ट करेगा, बट साइलेंट या फिर होम यूज़ के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लियर ऑडियो इसमें से मिल जाएगी।
तो डेफिनेटली आप जो है ऑन कॉल में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। अब फाइनली बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यस साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफकोर्स हम इस प्राइस रेंज में जो है एकदम परफेक्ट साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी प्राइस एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाए तो साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। ओवरऑल ऑडियो आउटपुट काफ़ी लाउड है, इवन हाई वॉल्यूम पे भी जो वो काफ़ी हद तक क्लियर है। अब बेस साउंड की बात करें तो बेस भी जो इसमें काफ़ी हाई एंड राइट अमाउंट में है जितना कि होना चाहिए, एंड बेस जो है वो काफ़ी क्रिस्पी है लेकिन डेप्थ जो है थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो क्रिस्प है उस वजह से आपको एक एनर्जेटिक फील जो है इसमें बेस के साथ मिल जाएगी। इसके बाद बात की जाए वोकल एंड ट्रबल साउंड की, तो आई एम हैप्पी कि वोकल काफ़ी हद तक जो है क्लियर है इवन हाई वॉल्यूम पे भी, एंड ट्रबल साउंड भी जो है डिसेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं पे जो है ट्रबल थोड़ा सा हाई पावर लगता है एंड थोड़ा सा फेड हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका जो ओवरऑल ऑडियो आउटपुट है उसको इफेक्ट ये नहीं करता। तो ओवरऑल बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, इवन कुछ वायर हेडफोन से भी जो है अच्छी है, और कुछ डाउन पॉइंट है लेकिन वो इतने बड़े डाउन पॉइंट नहीं है जो तो उसकी ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी को वो इफेक्ट नहीं करते, तो हम मतलब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो मैं ओवरऑल एक वर्ड में यहाँ पे अगर आपको कहूँ तो अभी 1000 रुपीज़ के अंदर मैंने जितने भी वायरलेस हेडफोन ट्राई किए हैं उसमें से अगर कहा जाए तो मुझे सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी जो है इस हेडफोन की लगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 1000 रुपीज़ के अंदर कोई ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना है या फिर आप सोच रहे हो खरीदने का, तो आपके लिए जो है एकदम परफेक्ट चॉइस है, आप इसे खरीद सकते हो। 700 रुपीज़ में ये बहुत कुछ ऑफर कर देता है जो वाकई में इसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है। तो बस ये था मेरा इस एयरफोन का फुल रिव्यू, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बाकी आप समझदार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा एक नेटवर्शिक वीडियो के साथ, तब तक।